मेरा नाम अजहर मकसूसी है। मैं हैदराबाद पुराने शहर चंचरगुड़े में पैदा हुआ। मेरा बचपन बड़ी कठिनाइयों से गुजर के आज यहाँ पर आया हूँ मैं। जब मेरे फादर का डेथ हुआ तो मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरी मदर मेरी सब कुछ है। मेरी मदर ने काफ़ी स्ट्रगल करके मुझे पाला बड़ा बड़ा किया। मैं टेलरिंग का काम करता था। मैंने एक साल डेढ़ साल मैंने टेलरिंग की शॉप पे काम करने के बाद वो शॉप को ही मैंने ख़रीद लिया। वो बेचकर कहीं और जाने वाले थे। उसके बाद मैंने टेलरिंग चलाई। 2000 आया। अब मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई कि अब लड़का बड़ा हो गया है, शादी कर दें। 2001 में मैंने ये शॉप डाला। आज ऊपर वाले के करम से अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मेरा अपना ओन बिजनेस है। बड़ा सा बड़ा काम, छोटा सा छोटा काम, प्लास्टर ऑफ पेरिस फील्ड का। अभी जो काम चल रहा है, ऊपर वाला जो काम हमसे ले रहा है फ्री फूड का, लास्ट 4 ईयर बैक तब मैं एक टाइम रेलवे स्टेशन के पास से आ रहा था। मैं जैसे रेलवे गेट क्रॉस कर रहा था वहाँ पर एक औरत को देखा, लक्ष्मी को। उस लक्ष्मी को मैंने देखा कि वो लक्ष्मी रो रही है, बेचैन है, तड़प रही है। मैंने बाजू वाले से पूछा, इसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है इन्हें? तो उसने कहा कि सर ये दोरों से खाई नहीं है, इसका लड़का भाग गया है। तभी मैं उसे होटल से पार्सल लाकर उस औरत को मैंने खिलाया। उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपने घर में माँ से बोला और हम मेरी वाइफ से बोला कि देखो भाई ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, आप खाना बनाइए खिचड़ी। वेरी नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पर खिचड़ी बनाया और जब लोगों को मैंने खिचड़ी वगैरह बाटी तो लोग जो खा रहे थे, एकदम कोई अच्छी चीज़ मिलती है आपको, अगर चिकन हो मटन हो जब आप खाते हैं तो आप कितना खुशी महसूस करते हैं, उस तरीके की खुशी वो लोग खिचड़ी खाकर कर रहे थे। वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पर मैंने पूरा वहाँ पर डेरा एक छोटा सा टेंट लगाया और एक बोर्ड लगा दिया कि डेली फ्री फूड फॉर पूर एंड होमलेस पीपल। 2 महीनों तक काम चलता रहा। मेरी वाइफ ने खाना वहाँ बनाती थी, मैं यहाँ लाकर सर्व करता था। उसके बाद देखते देखते साल तो डेढ़ साल हो गया मेरे काम में। ऊपर वाला तो लाख लाख एहसान है। अगर दुनिया ही एतबार से देखे, दुनिया में अगर देखे मेरा जो साथ दे रहा है, मेरी वालदा की दुआएं और मेरे सारे फेसबुक हिंदुस्तानी सारे फेसबुक फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों की वजह से ये काम चल रहा है। मैं तो नील हूँ, जीरो हूँ बिल्कुल। मैं एक वर्कर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बस दुआ ये है कि हम जितने भी इस काम में लोग लगे हैं, ऊपर वाला हमारे काम को कबूल करे, ऊपर वाला हमें हमारी लाइफ में उसका रिजल्ट दे और हमें और आगे काम करने की तौफीक दे। कई बार लोग करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप शराबियों को खाना देते हो, वहाँ शराबी आता है, वहाँ पे अच्छा अच्छा खट्टा आदमी आता है, आप फुलां करते हो। मेरा मानना ये, मुझे दुनिया को जवाब देना नहीं है। मैं ये नहीं सोचता कि आने वाला कैसा आ रहा है। वो अगर शराबी भी है वो आ रहा है, जब इंसान, आप ये सोचिए, जब इंसान शराब पिया हुआ रहता है जबकि ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ देती है ना तो उसका माइंड साथ देता है, उस टाइम पे अगर वो खाना खाने आ रहा है कोई एक स्पॉट पे, तो आप इसे क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसका किस्मत में जो है वहाँ पे खाना था और उसके कदम उसको वहाँ ला रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हमें मुझे दुनिया को जवाब देना नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं, उस पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। अब फल लगे हैं तो जाहिर सी बात है लोग पत्थर मारेंगे, कादा फल गिराने की चक्कर में रहेंगे। अगर झाड़ खाली रहेगा, पत्ते नहीं रहेंगे, तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो आप जितना लोग आपको नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, मुझे काम करने की जो क्षमता है मेरी वो लेवल और बढ़ता है। बस ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है, बस इस काम को इस बंदे से करवाना है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसका फल जो भी सैलरी वगैरह है मुझे ऊपर मिलेगी, या मेरे जो बच्चे हैं लाइफ में वो अपनी जगह अच्छे सेटल रहेंगे,
इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे वही मेरी सैलरी है समझे। अभी दो प्रोग्राम ऊपर वाला चला रहा है, ऊपर वाले के करम से मेरी मदर और सारे फेसबुक फ्रेंड्स के दुआओं से ताउन से ये दो प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके अलावा भी हमने सोचा कि भाई खाने के अलावा हम और करना है तो और क्या कर सकते हैं जिससे लोगों को हकीकत में ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि आजकल मेडिकल फील्ड एक ऐसा है सबसे टॉप का बिजनेस है। डॉक्टरी का जो फील्ड है वो 99.9% कमर्शियल हो चुका है। मैं डॉक्टर अगर हूँ तो मुझे पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, एक टैबलेट से आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, मगर आजकल का जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये टेस्ट ये दवाएं आपको लिख के दे देते हैं, कम से कम 500-800 रुपए की दवाएं, 500-800 जिसकने है वो तो 500-800 रुपए की दवाई ले लेगा। अब जिसकने नहीं है बिल्कुल, वो दवाओं को देखकर उसके नाम को देखकर ही वो हैबत में बीमार हो जाता है, वो अच्छा होता है मगर अम्मा 500 रुपए की दवा मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, मेरी जान चले आ सकती है। तो मैंने कहा ये एक ज़रूरी है कि एक छोटा सा क्लिनिक डालें, क्यों ना हम छोटा सा डालें बट लोगों को जहाँ तक हो सके हेल्प तो होगी। तो हमने एक क्लिनिक स्टार्ट किया आसानी वेलफेयर फ्री क्लिनिक बोलकर, जहाँ पर डॉक्टर हैं और दवाएं फ्री हैं, डॉक्टर फ्री देखते हैं, वहाँ पर ज़रूरतमंद जो होते हैं लोग उनको ग्लूकोज भी फ्री में चढ़ाया जाता है। डेली 45-50 पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पर एक एरिया है फुलवा बोलकर, यहाँ पर सलम बस्ती है, पूरे लोग रोज़ का काम करने वाले हैं, कोई ऑटो चला लेता है, कोई बंडी पे, कुछ गरीब लोग हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे डाले क्लिनिक, मलकपेट में आता है वो, तो वहाँ पर 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड ईयर रनिंग हो रहा है, चल रहा है। तो दवाएं फ्री हैं बिल्कुल वहाँ पर, डॉक्टर हमारी दवा विश्वास, जैसे मैंने कहा कि मेरा सारी जो पूंजी है विश्वास पे टिकी है। अब रहा सवाल, उसके अलावा एक हमारा टेलरिंग सेंटर है जहाँ पर हम लेडीज़ को औरतों को जो हाउसवाइफ हैं उनको हम टेलरिंग भी सिखाते हैं, लास्ट 1 ईयर से वो चल रहा है फ्री में। और एक एक हमारा इंस्टीट्यूट है, खाना हो गया, दवाई हो गई, इंस्टीट्यूट तालीम मेन इम्पॉर्टेंट है। तो हमने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हमने लास्ट 3 ईयर्स बैक हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जहाँ पर उर्दू इंग्लिश तेलुगु तीनों मीडियम के बच्चों को फ्री में ट्यूशन दिया जाता है। तो अभी 3 ईयर से वो चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारा जो SSC का रिजल्ट था वो 99% रिजल्ट था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए, और ये मेरे लिए नहीं मेरे सारे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम सबके कोशिशों की वजह से चेंज आ रहा है। बात खत्म करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं मेरे ऑल इंडियंस को, एक छोटी सी लाइन है जो मैं खुद लिखा हूं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीकर देखो जिंदगी कामयाब लगने लगेगी, जिंदगी कामयाब लगने लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।